बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर जो सिचुएशन वैकेंट है उनकी तफसील बताने वाला हूं, और इसके अलावा उनका जो फॉर्म फिल करने का तरीका है और जिस एड्रेस पे आपने भेजना है जी, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है एंड तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें जी। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन के अंदर जो है वो सिचुएशन वेकेंट है जी, जिसमें सबसे पहले LDC है जी, BSPS 11 के अंदर मैट्रिक मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, 18 से 25 साल, एक पोस्ट है जी, सब इंजीनियर BPS 11, 3 ईयर्स डिप्लोमा ऑफ DAE सिविल इंजीनियर, डिस्पेच राइडर है, प्राइमरी पास, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वेस्ट इन द ट्रैफिक रूल्स, 18 से 25 साल, नेब कॉस है, प्राइमरी पास है, 18 से 25 साल, चौकीदार है जी, प्राइमरी पास, 18 से 25 साल। इसके लिए आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपने 15 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई करना है जी। पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट और यानी 15/10/2024 इसकी आखिरी यानी क्लोजिंग डेट है जी, 15/10/2024। आपने ये वाला फॉर्म जो है, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है जी, नेम लिखना है सबसे पहले जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, BPS जो स्केल की वो पोस्ट है वो लिखना है जी, नेम लिखना है अपना कैपिटल लेटर्स के अंदर, फादर या हस्बैंड नेम लिखना है जी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जी, जेंडर लिखना है जी, मेल फीमेल जो भी हैं जी, रिलीजन इस्लाम है, जो भी आपका मज़हब है वो लिखना है, अपना CNIC नंबर, ID कार्ड नंबर लिखना है जी, अगर आप डिसेबल हैं, मजदूर हैं तो यस करें, डिसेबल नहीं है तो नो करें, डोमिसाइल का प्रोविंस सूबा भी लिखना है और डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है जी, जिस सूबा का और जिस ज़िले का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर लिखना है जी। फिर यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखनी है जी, जो भी आपकी है जी, यहाँ पे वो तरतीब वाइज आपने जो है फिल करना है। उसके बाद आपने अपने पोस्टल एड्रेस लिखना है जिस पर आपकी स्लिप वगैरह जो है वो भेजी जा सके, यहाँ पे जहाँ पे जो है वो डाकखाना जो है वो लिखा होता है पोस्टल एड्रेस। उसके बाद कंटेक्ट रेजिडेंस, अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है जी, ईमेल आपने लिखनी है जी, जो भी आपकी ईमेल, जीमेल जो भी है लिख देनी है जी, एक्सपीरियंस गवर्नमेंट या प्राइवेट जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस हो, डिपार्टमेंट नाम, डिजाइनेशन, ईयर्स, उसके बाद ये तमाम करने के बाद यहाँ पे डेट डालनी है जी, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, सिग्नेचर यहाँ पे डालने हैं जी, आपने सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं जी आपने खुद, और फिर जो है यहाँ पे जो है इस एड्रेस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफिस ऑफ चीफ इंजीनियरिंग एडवाइज़र चेयरमैन फेडरल प्लस फेडरल फ्लड कमीशन 6 अतातुर्क एवेन्यू G5/1 इस्लामाबाद, आपने इस पता पर जो है अपना ये फॉर्म फिल करने के बाद और चीज़ें अटैच करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC डोमिसाइल एंड ट्रैवलिंग लाइसेंस वेयर अप्लीकेबल, अप्लीकेशन इनकम्प्लीट वगैरह जो है वो एक्सपायरी डेट के बाद जो आएगी वो आपकी जो है वो काबिले कबूल नहीं होगी जी। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।